हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर मेरे 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं R15 लूँगा। सो आज मैं उसी का एक बार शोरूम में जाके न्यू R15 का प्राइस का पता कर लूँ। क्या पता शायद मेरे बजट में आ जाए, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं अपनी, मेरी ये NS की क्लच वायर थोड़ी ख़राब हो रखी है, इसे पहले सबसे पहले ठीक कराते हैं, वायर चेंज करवा लेते हैं, उसके बाद शोरूम से विजिट करेंगे। चलिए देखते क्या प्राइस है। और मैंने अभी जो नई वाली R15 आई है वाइट कलर में, मुझे वो बहुत पसंद आई, उसका लुक काफ़ी अच्छा है। मैंने अगर सोचा कि अगर मैं सेकेंड हैंड भी अगर लेता हूँ तो कोशिश तो है कि नहीं लूँ, बट सेकेंड हैंड भी अगर मैं लेता हूँ तो मैं उसे उस ग्राफिक्स में करवाऊँगा, वाइट और ऑरेंज, जिसके अलॉय व्हील ऑरेंज है और बाकी बॉडी उसका वाइट है, इंटेंसिटी वाइट। मैं उसी की तरह बनाना चाह रहा हूँ। चलिए पहले देखते हैं। सुनने में ये भी आया है कि वो कलर के लिए अगर आपको लेना है तो पहले बुकिंग करानी पड़ती है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। चलिए देखते हैं सबसे पहले। गाइस, अब हम जैम से बाहर निकल गए हैं। अरगोड़ा में आजकल कुछ ज़्यादा ही जैम रहने लगा है। और हाँ गाइस, एक फेयरिंग बाइक होने का फ़ायदा ये भी है कि उसमें आप मॉडिफिकेशन अच्छी खासी करवा सकते हो। जैसे कि मेरा नेकेड बाइक है तो इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ नहीं, बहुत कम ऑप्शन रहते हैं बस, बट R15 में काफ़ी अच्छा अच्छा बॉडी डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा सकते हो, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि NS में उतना नहीं हो पाता है। इस कारण से भी इसलिए सबसे पहले चलते हैं शोरूम, मतलब पहले क्लच वायर ठीक करवाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली शोरूम चलेंगे। एक नया शोरूम धुरवा में खुला है, धुरवा से रिंग रोड जो कनेक्ट होती है रास्ता, वो वाले रोड में। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ देखते हैं अगर वहाँ पे वो कलर अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो कलर। गाइस, आप लोग जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करवा दो यार, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं ले लूंगा, नहीं तो ऐसे तो फरवरी में प्लान है ही, फरवरी 2024 लेने का। अगर आप लोग करवा दोगे जल्दी जल्दी तो और अच्छा है। यार अभी जाम है गाइस, ये तो रहा यार, इधर से घुसा लेते हैं। हाँ क्लच वायर चेंज करा लिया, गाड़ी में पिकअप बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गाड़ी अपनी पूरी तरह से भाग रही है यार, जैसे नए में लाया था ना मैंने, वैसे टाइप का भी चल रहा है एकदम। क्लच वायर से प्रॉब्लम था इसलिए गाड़ी भी खींचने में थोड़ा सा परेशानी होता था, बट अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है। चलते हैं अब वहीं, यहाँ पे का काम तो हो गया है, अब दरवाजा चलते हैं शोरूम, पता करते हैं क्या प्राइस वगैरह है, बजट में आएगा या फिर अगर फरवरी तक का टाइम है हो पाएगा तो मैं नया ही ले लूँगा। गाइस, हम लोग धुरवा डैम पास अब पहुँच चुके हैं और यहाँ से आपको सीधे अगर आप जाना चाहते हो शोरूम तो ये सीधा रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हो। मुझे पता नहीं लगता है शोरूम शायद बंद हो गया कि क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो आ जाना चाहिए था बट शोरूम दिखा नहीं मुझे।
यहाँ से तो गाइस रिंग रोड पहुँच गए हम लोग। फिर से एक बार चेक करते हैं, शायद हमसे ही छूट गया हो पीछे। कहाँ रह गया शोरूम यार, फिर से हमको किशोरगंज जाना पड़ जाएगा लगता है गाइस, अगर यहाँ शोरूम नहीं मिला, क्योंकि यहीं पे था, मैंने देखा था। ओ गाइस ये रहा, ये तो बंद है, पता है नहीं गाइस क्या हो रहा है, जब भी जा रहा हूँ कहीं भी तो वहाँ शोरूम अंदर हो जा रहा है। आज भी यामा का शोरूम बंद, उस दिन भी व्हीलर डीलर का शोरूम बंद। तो गाइस निराशा पूर्वक हमें चलना होगा किशोरगंज। तो गाइस किशोरगंज पहुंच गए हम लोग, और चलिए आगे से ही चलते हैं, थोड़ा घूम के ही जाने में मजा है। आगे ही है शोरूम किशोरगंज वाला यामा का, सो विजिट करते हैं वहाँ पे और प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं। गाइस लगता है गलत समय पे आए हुए, पूरा जाम है यहाँ पे। कह रहा है सुजुकी का शोरूम, सुजुकी को भी कोई गाड़ी उतारनी चाहिए बढ़िया, बट ध्यान ही नहीं देता है वो। और ये रहा ब्लू स्क्वायर, चलिए अंदर चल के रेट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस हम लोग यामा के शोरूम से आ चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं यामा के शोरूम से। तो जैसा कि अभी मैंने इंटेंसिटी वाइड का प्राइस पूछा है, तो उस पर अभी ऑन रोड प्राइस 224,000 पड़ रहा है रांची में, रांची झारखंड में। सो बजट से तो थोड़ा बाहर है मेरा फिलहाल, बट देखते क्या हो सकता है। थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो शायद उस चीज़ को भी हम लोग ले सकें। वैसे तो अगर वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक V4 सेकेंड हैंड मैं लेके उसे वैसा बना लूँगा। उसमें मेरे सेकेंड हैंड लेने में दो फ़ायदा है, एक तो मेरे बजट में इजली वो आ जा रहा है, और प्लस उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कई सारी वीडियो रहेगी, कई सारी वीडियोस बन सकती है उस पर। और दो बाइक लाना अच्छा है, एक बार NS 200 और R15 की रेस भी करवाऊँगा मैं, मेरे पास रहेगी तो अपनी। सो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द मेरी मदद करें 2K सब्सक्राइबर्स अचीव करने में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।